मैं वाजिद अली चौधरी धुबरी लोकसभा क्षेत्रों से मैं लड़ रहा हूँ भारतीय जातीय कांग्रेस पार्टी के तरफ से। और डिपार्टमेंट में काफ़ी अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम सॉल्व किया है। अगर केंद्रीय सरकार कांग्रेस के तरफ से बनेगा तो केंद्रीय सरकार से जो होगा वो मैं वहाँ कोशिश करूँगा हमारा इलाका से हमारा क्षेत्रों का कोई भी से जितना सकूँ अपॉइंटमेंट के लिए कोशिश करूँगा। ना यहाँ मेडिकल कॉलेज फाउंडेशन किया था और लैंड एक्विजिशन के लिए काम थोड़ा रुका हुआ है। यहाँ एग्रीकल्चरल कॉलेज भी हुआ वो कंस्ट्रक्शन भी हो गया और एक कोशिश चल रहा है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस धुबरी में करने के लिए कोशिश जारी है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात करूँगा यहाँ सफिशियंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि ये रास्ता सफिशियंट हुआ है आसाम में लेकिन धुबरी में थोड़ा कम है, क्योंकि हमारा यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव जो है जो एमपी है जो एमएलए लोग है ये लोग कोई पार्लियामेंट या असेंबली में रास्ता के लिए कुछ नहीं कोई क्वेश्चन भी नहीं किया कोई कोशिश भी नहीं किया, इसलिए थोड़ा कमी है। महिलाओं के लिए 50% रिजर्व किया है पंचायत चुनाव में, म्यूनिसिपलिटी चुनाव में 50% रिजर्व किया हुआ है। असेंबली और पार्लियामेंट के लिए वो बिल पेंडिंग है। हमारा पार्टी का तरफ से पूरा कोशिश है कि उनको रिजर्वेशन दिया जाए। फर्स्ट मेरा काम होगा ये ब्रह्मपुत्र गोलपाड़ा से मानकेश्वर तक इसको परमानेंट प्रोटेक्शन करना, यही मेरा फर्स्ट काम होगा।